यार पापा को छोड़ के हम आ गए थे वापसी, तो यार कजन को लगी भूख, तो बोले यार चलो खाना छाना खाते हैं, चाचू भी हमारे साथ है, फर्स्ट टाइम आ रहा है चाचू मेरे ब्लॉग में, बाकी ये तो आते रहते हैं, तो यार अभी जरा खाना वाना मंगाया, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद निकलते घर, डायरेक्ट घर जाके फिर मिलता हूँ मैं आपसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक। वेलकम टू अ न्यू ब्रांड व्लॉग। तो यार अभी का व्लॉग कुछ इस तरह से है, आप सोच रहे हो यार ये कौन सा व्लॉग है, यार ये व्लॉग जो मैं बना रहा हूँ मैं रात में बना रहा हूँ, और रात में मैं क्यों बना रहा हूँ यार, वो इस वजह से बना रहा हूँ कि कुछ सीन ऐसा हो गया हमारे साथ, तो इसलिए हम रात में व्लॉग बना रहे हैं। तो सीन ये हुआ, तो मेरा सीन ऐसा है कि मेरे पापा जो आए हुए थे वो उनकी छुट्टी, वो छुट्टियों पे आए हुए थे, तो उनका आज जो है ना वापसी जाना है, मतलब उनका आज वापसी फ्लाइट है कि जाने की। तो हमने सुबह सोचा हुआ था कि यार पापा जाएंगे सुबह 11 बजे तक, उनको हम एयरपोर्ट छोड़ देंगे। तो सीन ऐसा हुआ, अभी जब टिकट विकट जो जो होता है मुझे तो नहीं पता फिलहाल, जब वो देखा तो पता चला यार अभी रात में ही उनको छोड़ने जाना है एयरपोर्ट, तो अभी सिचुएशन ऐसी हो गई थी। तो हम क्या करते हैं, बोला चलो फिर रात में वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप सोच रहे हो यार आपके पापा कब आया, कोई व्लॉग व्लॉग नहीं आया था, यार व्लॉग इसलिए नहीं आया पापा से ना परमिशन मैंने नहीं ली थी यूट्यूब के लिए, तो बहुत मुश्किलों से यार बहुत मुश्किलों से पापा ने मुझे परमिशन दे दी यूट्यूब के लिए। मम्मा तो खैर है, मम्मा अपनी यार मम्मा से कुछ छुपाते नहीं है, मम्मा को सब कुछ पता, मम्मा ने पहले ही बोला हाँ भाई जो करना आप करो, आपकी ज़िंदगी आप खुद करो, हमें कुछ नहीं पता। तो मम्मा की तरफ से फुल सपोर्ट है, सिर्फ पापा की तरफ से थोड़ा डर था, तो पापा को मैंने समझाया लेकिन हमारी कहाँ सुनते हैं पापा, तो कज़न वज़न बाकी मामू वगैरह सब ने थोड़ा बहुत समझाया उनको, यार ये काम अच्छा है, ये काम वो है, तो पापा भी फिलहाल मान गए हैं। तो पापा आए हुए थे तो इस वजह से ना मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, अभी आपको सब कुछ बता दिया क्यों नहीं बना रहा था, वजह ये था तो इस वजह से। तो आज पापा ने परमिशन दे दी मेरे को कि आप बनाओ व्लॉग, कोई मसला नहीं यार। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप पापा भी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, अगर आस आए तो सही है मैं दिखा दूंगा वीडियो में, अगर नहीं आए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिलहाल बस अभी तैयारी शैयारी चल रही है, कज़न आ रहा है लेने आ रहा है, फिर चलते पापा को लेके एयरपोर्ट छोड़ने, तब तक वेट करो 5-10 मिनट के बाद मैं वापसी मिलता हूँ आपसे, तब तक पापा तैयार श्यार हो रहे हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट एयरपोर्ट पे, फिर मिलते हैं आपसे रस्ते में, जो भी सीन हो आपसे हम शेयर करते हैं। तो आप 5 मिनट या 10 मिनट वेट करें, तब तक आता हूँ मैं वापसी। दादा क्या कर रही हो? हाँ दादा अब्बू जा रहे हैं आज, पता आपको? हाँ ये बता, खाना पका रही हो? क्या पका रही हो बताओ? रोटी बनवा रही। कौन सा रोटी बना रही हो? रोटी बना रही मैं, अंगूर बना रही। अच्छा अंगूर बना रही हो? हाँ। जल्दी जल्दी बनाओ फिर। हाँ दादा क्या कर रही हो? हैं क्या कर रही हो बताओ? इधर आओ बात सुनो, इधर आओ, इधर आ गया हूँ, आ गया हूँ। अब्बू जा रहे हैं पता है ना आपको? कहाँ जा रहे बताओ, अब्बू कहाँ जा रहे हैं? अच्छा पता है आपको, पक्की बात है? देख लो। अच्छा तो यार सामान भी रेडी शेडी हो गया, बस पापा तैयार हो रहे हैं, उसके बाद बस हम चलते हैं, जरा कज़न की भी कॉल आई, बस मैं आ रहा हूँ 5-10 मिनट में, तो बस सामान वामान भी सब कुछ रेडी है, और पापा भी बस तैयार होने गए हैं, फिर वो आते हैं, फिर उनको लेके चलते हैं एयरपोर्ट, फिर मिलते हैं, फिर वहाँ मैं आपसे आपको मिलवाता हूँ, पापा से भी कुछ बोलेंगे तो नहीं, खैर बस नज़र आ जाएंगे आपको। यार एक सच्ची एक बात बताऊँ यार, कसम से ना मुझे ना असल में बहुत मतलब ना ऐसा अजीब सा हो रहा है कि यार फर्स्ट टाइम मैं अपने पापा को व्लॉग में ले रहा हूँ, तो यार मुझे एक अजीब सा थोड़ा सा ना डर सा फील हो रहा है यार, पापा कुछ ना बोले वगैरह वगैरह, बस वो देख लेंगे जो भी सीन हो देख लीजिएगा आप, क्या मुझे फ़िलहाल थोड़ा बहुत ना थोड़ा सा बस डर लग रहा है, मुझे डर सा महसूस हो रहा है, बाकी जो भी हो मैं दिखाता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतना करता हूँ, बाकी देखते हैं यार जो भी सीन हो यार देखते हैं ना, बस आप साथ रहो जो भी हो देख लेंगे। तो यार गाड़ी वाड़ी अभी हम निकाल रहे हैं, बस पापा शायद आ गए ऊपर से, पता नहीं आया नहीं है, बाकी गाड़ी वाड़ी निकल रही है, बस पापा आते
तो बताया गाड़ी में मैं कुछ क्लिप ले सकता नहीं, कुछ पता नहीं मुझे फिलहाल। बस जो भी सीन हो गाड़ी के अंदर मैं दिखाता हूँ, बाकी बात जो भी हो यार देख लेना, एंजॉय कर लेना, मैं क्या कर सकता हूँ। यार गाड़ी वाड़ी हमने लगा ली पार्किंग पे, और यार पापा पापा चले गए तो गाड़ी पार्किंग लगाने दिया। यार रश बहुत ज़्यादा यार, ऊपर तो हम नहीं जा सके, रश बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हमने बोला चलो यार नीचे लगा देते हैं पार्किंग। तो अभी बस चलते हैं यार, फिलहाल तो मैं और कज़न ही है, बाकी पापा और चाचू चले गए। तो यार गाड़ी में मैं कोई कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि यार थोड़ी सी ना अजीब सा एक फील हो रहा है मुझे, तो इस वजह से मैंने गाड़ी में कुछ नहीं बोला। तभी बस चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या होता है। यार पता नहीं मैं कुछ क्या बोलूँ, मैं यार अजीब सा ना थोड़ा सा फील हो रहा है। पापा भी जा रहे हैं, उसका दुख अलग है, लेकिन एक शर्म सी फील हो रही है, उसका दुख अलग है। तो बस कज़न भी 7 साल है मेरे, तो अभी चलते हैं वहाँ पहुँचता हूँ, फिर पापा से भी मिलवाते हैं आपको। बाकी जो भी हो बताता हूँ मैं आपसे। यार अभी हम जा रहे हैं ऊपर, जरा कज़न भी साथ है, पापा पापा चले गए ऊपर, तो अभी चलना ऊपर उसके बाद। पापा वो खड़े हैं, चाचू और पापा, बाकी भाई भी खड़े हैं। एक शर्म से फील हो रही है, बताता हूँ अभी, रुको 2 मिनट जरा सबर करो। यार बस ये पापा से मिलते हैं, लास्ट मुलाकात पापा से। तो यार मेहनत करके ना आपके भाई ने कसम से ना इतनी, यार एक तो थोड़ा बहुत मुझे डर भी लग रहा था कि यार पापा डांटे वांटे ना मुझे ना, तो फिलहाल यार पापा ने भी कुछ नहीं बोला। बस यार एक दुख सा थोड़ा बहुत हो रहा है क्योंकि पापा चले गए, तो इसलिए। और बाकी यार जो भी करा है ना सीन, देख के आप इंजॉय करो जितना हो सका मैंने करा। बस अभी पापा को छोड़ के अब जा रहे हैं, छोड़ दिया पापा तो चले गए अंदर, तो अभी जा रहे हैं घर वापसी। तो ची चाचू है, बाकी मेरा कज़न, बाकी मैं, तो अभी हम बस घर ही जाते हैं यार, घर चलते हैं फिर। बस घर के आगे बाकी जो भी आगे सीन हो फिर आपको बताते हैं, सीन वीन तो कुछ फिलहाल है नहीं। तो अभी गाड़ी में बैठते हैं फिर निकलते हैं घर, घर पहुँचते फिर मिलते हैं आपसे। तो यार पापा को छोड़ के हम आ गए थे वापसी, तो यार कज़न को लगी भूख, हमने बोला यार चलो खाना छाना खाते हैं, चाचू भी हमारे साथ है, फर्स्ट टाइम आ रहा चाचू मेरे व्लॉग में, भाग गए तो आते रहते हैं। तो यार अभी जरा खाना वाना मंगाया है, खाना वाना खाते हैं उसके बाद निकलते हैं घर, डायरेक्ट घर जाके फिर मिलता हूँ मैं आपसे। खाना वाना हमने खा लिया यार, पेट फुल हो गया, टाइम भी कसम से बहुत आउट हो गया यार, पापा को छोड़ने आपको बताया मैंने। बस यार तो खाना हमने खाया आज KFC से, खाना वाना खाया, बाकी चाचू वो पैदल आ रहे हैं, बाकी बस यार कज़न जो है ना गाड़ी निकाल रहा है, तो बस अभी गाड़ी निकालते सीधा आपको घर पहुँच के मिलते हैं। तो यार घर में वापसी आ गया हूँ, बिल्कुल अभी मैं घर आया हूँ। तो यार बस अभी हम व्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि यार बस कर जो जैसा भी व्लॉग बना मैंने बनाया आज यार बहुत ना, एक तो मुझे डर लग रहा था कि यार पापा डांटे नहीं क्या फजूल काम वगैरह, लेकिन कुछ भी नहीं करा उन लोगों ने, बस जो जैसा भी मैंने क्लिप जैसा भी जितना मुझसे हुआ मैंने शूट करा, बस क्या करूँ उससे ज़्यादा शूट हुआ ही नहीं, बस जितना हो सका मैंने शूट करा आप लोगों के लिए। तो यार बाकी व्लॉग को हम एंड करते हैं, बस यार थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है, पापा यार चले गए। आप लोग बता रहे हो, आप लोग सोच रहे हो अबे यार पाप आया कब आपके अब्बू कब, सिवा जाने का व्लॉग आया, आने का व्लॉग नहीं आया। तो आने का व्लॉग यार इसलिए नहीं है क्योंकि उस टाइम उनको ना इतना पता नहीं था यार, क्या ना मैं यूट्यूब पे काम वगैरह करता हूँ, लेकिन उनको इतना पता नहीं था, सिर्फ मम्मा को पता था
बाकी सबको पता है पापा के अलावा, पापा को नहीं पता था, तो इस वजह से यार मैं ना फंसा हुआ था एक जगह पे। तो बस जैसे ही पापा आए, फिर पापा को मनाया बनाया, मैंने भी बोला बोल, मामू कज़न वगन सबका ना सब ने थोड़ा सा बस समझाया यार, इससे कोई फजूल वजूल काम नहीं है वो, तो बस सब ने समझाया तो पापा समझ गया। पापा बोला चलो सही यार, जो करना कर लो, कोई मसला नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने बोला चलो आप पे व्लॉग में लेना है, तो जाते हुए बस मैंने उनको ले लिया व्लॉग में। तो अभी बस व्लॉग का एंडिंग करते हैं। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे यार कहाँ गया आपका मिनी स्टूडियो वगैरह वगैरह, तो यार उनका उसका काम अभी चल रहा है। बस भाई आपको एक ही फिलहाल तो अभी एक ही एपिसोड आया, एपिसोड 2 भी आएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, उसको वेट करना। तब तक आप ये भी लोग देखो थोड़ा सा, फिर उसके बाद पार्ट 2 भी आ जाएगा इंशाल्लाह। यार असल थोड़ा काम शाम ऐसा है ना, आजकल थोड़ा काम शाम में मैं फंसा हुआ हूँ, तो इस चक्कर में पार्ट 2 नहीं आ रहा। बस यार पार्ट 2 ना थोड़ा सा काम भी थोड़ा सा लंबा है, तो यार उसमें ना थोड़े ना बंदे बंदे भी चाहिए, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, वो किसी से करवाना पड़ेगा क्योंकि वो काम हमें नहीं आता। तो अब जैसे पार्ट टू आया तो आपको पता चल जाएगा यार क्यों रुका हुआ था, क्यों लेट आया। ज़्यादा लेट नहीं, थोड़ा सा लेट आएगा बस, लेकिन आएगा ज़रूर इंशाल्लाह, टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी। आएगा पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, जितने पार्ट बनेंगे सब आएगा, लेकिन आपको मिनी स्टूडियो हम बना के दिखाएंगे। तो यार अभी आप मुझे इजाज़त दो यार, मैं भी सोऊं क्योंकि टाइम बहुत आउट हो चुका है, बहुत ज़्यादा आउट हो चुका है, तो मुझे भी सोना है, फिर सुबह उठना है, और काम शाम वगैरह तो है, काम शाम आपके भाई का भी, तो वो भी करना है। बस आप जल्दी से जल्दी सपोर्ट करो यार, जल्दी जल्दी सपोर्ट करो, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फिलहाल, बहुत ज़रूरत है। तो यार उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। तो इजाज़त दो, फिर मैं जाता हूँ, फिर आपको मिलते हैं पार्ट 2 में, मिनी स्टूडियो के पार्ट 2, उसमें आपको वापसी मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।